हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बना रहे हैं पालक उड़द दाल पकोड़ा। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो है उड़द दाल लिया है, इसको ओवरनाइट सोक करके रखा था और इसको अच्छे से ड्रेन करके वॉश करके ले लिया है। 1 कप हम लोग को स्पिनेच लगेगा, पालक इसको मैंने चॉप करके ले लिया है। देन क्यूमिन सीड, जीरा 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, आप इसके जगह ग्रीन चिलीज भी ले सकते हो। सॉल्ट एज रिक्वायर्ड, टर्मरिक 1/4 टीस्पून एंड गरम मसाला 1 टीस्पून। सबसे पहले उड़द दाल को मिक्सर में हम ग्राइंड करके ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्सर में बारीक करके ले लिया है। अगर आप मिक्सर में बारीक करने के टाइम ये पतला नहीं होता है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून जो है पानी ऐड कर देना। कैनर में ट्रांसफ़र करके ले लूँगी। मिक्सर यहाँ पे मैंने कंटेनर में ट्रांसफ़र करके ले लिया। अभी इसमें हम ड्राई मसाला जो है वो ऐड कर देंगे। क्यूमिन सीड्स, जीरा, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एज रिक्वायर्ड, टर्मरिक एंड गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साइड में मैंने गैस ऑन करके ऑयल रख दिया गरम होने के लिए। अभी इसमें मैं पालक जो ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम पकौड़ा फ्राई करके ले लेंगे। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अभी मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये खाने के लिए सेम मेदू वड़ा के जैसा रहेगा, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, ऑलमोस्ट आपका फ्लेवर भी उसके मेदू वड़ा जैसे ही रहेगा। इसका छोटा छोटा जो है मैं पकौड़ा बना लूँगी। इसको अभी मीडियम टू हाई रेंज पे फ्राई होने देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है पकौड़ा रेडी हो चुका है। इसको हम लोग को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अभी मैं इसको टिश्यू पे निकाल के ले लूँगी और बचा हुआ जो भी बैटर है उसका हम सेम पकौड़ा बना के ले लेंगे। यहाँ पे हमारा पकोड़ा जो है रेडी हो चुका है। मैं इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको चाहिए तो आप मिंट चटनी के साथ या कोकोनट चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत ही बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से मॉइस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।